नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, वो चीज़ आपने अपने गांवों में, खेतों में, या फिर जहाँ भी ट्रांसमिशन लाइन की सप्लाई खंभे लगे होते हैं, वहाँ पे आपने ये चीज़ जरूर देखा होगा कि वहाँ पे कुछ ऐसा बना होता है। तो ये कुछ ऐसा बना होता है और उसमें कुछ ऐसे बना होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है दोस्तों, मैं उसी के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, उसका नाम होता है डैम्पर। और दोस्तों, ये डैम्पर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन लेके चलता हूँ। डैम्पर क्या होता है, इसका यूज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, मैं दोस्तों 3 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। दोस्तों, पहली बात तो डैम्पर होता क्या है दोस्तों, इसका आगे बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि डैम्पर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो डैम्पर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो स्टॉक डैम्पर, इसका यूज दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। ये आपको बहुत जगह आपको देखने को मिल गया होगा, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे होंगे, जो स्टॉक डैम्पर होता है। दूसरा जो है वो होता है स्पाइरल डैम्पर। दोस्तों, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, स्पाइरल डैम्पर कैसा होता है। और दोस्तों, जो तीसरा होता है वो होता है स्पेस डैम्पर। ये भी दोस्तों आप फिगर में देख रहे होंगे, स्पेस डैम्पर कैसा होता है। अब दोस्तों, इन तीनों का अलग अलग काम है और ये अलग अलग तरीके से ट्रांसमिशन लाइन में लगाए जाते हैं। दोस्तों, जो स्टॉक डैम्पर होता है, उसको परिभाषा में डैम्पर होता क्या है। तो डैम्पर क्या होता है कि जब ये ट्रांसमिशन लाइन में, जो ये मान लीजिए कोई पोल है, इसमें इंसुलेटर लगे होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर ऐसे 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 इंसुलेटर लगे होते हैं। तो ये, अब ये इंसुलेटर लगा, इसी के बीच से ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन गई है और ये चीज़ यहीं पे लगा होता है, ठीक है, यहीं पे ऐसे लगा होता है। दोस्तों, ये कभी आप कभी देखा होगा कि जब हवा चलती है बहुत तेज, तो उसमें क्या होता है कि ये हवा के वाइब्रेशन से, जब जब हवा चलेगी तो इसमें जो वाइब्रेशन होगा ज़्यादा होता है, तो वाइब्रेशन को रोकने के लिए डैम्पर लगाते हैं। अब दोस्तों, डैम्पर का फायदा क्या है। दोस्तों, डैम्पर लगाने से ये फायदा होता है कि ये जो इसमें ये हवा चलेगी, जब इसमें वाइब्रेशन होगा, तो ये हमारा इंसुलेटर जो है वो ब्रेक नहीं होगा, खराब नहीं होगा, और उतना ही टूटेगा हमारा ये इंसुलेटर। दोस्तों, अगर ये इंसुलेटर टूट गया तो खंबे में, पोल पे सप्लाई भी आ सकती है और ये तार टूट भी सकता है, क्योंकि ये जो इंसुलेटर में ही लगे होते हैं, ये पूरा खंभे पे नहीं टाइट होता, ये इंसुलेटर पे ही टाइट होते हैं। अब उससे अगर ये इंसुलेटर ही टूट जाएगा तो फिर ये ट्रांसमिशन लाइन नीचे गिर जाएगी, और उसमें जो आदमी, अगर इसके जो आदमी इसके नीचे होगा, या फिर कोई कुछ भी जानवर होंगे, मवेशी होंगे, तो वो मर जाएंगे। दोस्तों, ये हो गया स्टॉक डैम्पर। दोस्तों, ये जो ऐसा होता है, ये वाइब्रेशन को रोकने के लिए होता है। अब दोस्तों, जो दूसरा नंबर का आता है हमारा स्पाइरल डैम्पर। स्पाइरल डैम्पर दोस्तों होता कैसे है, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे होंगे, स्पाइरल डैम्पर दोस्तों ये ऐसे होता है। मान लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये कुछ इस तरीके का इसमें जो लगा होता है, ठीक है, ये भी वाइब्रेशन को रोकने के ही काम में आता है। अब दोस्तों, जो हमारा तीसरा नंबर है वो होता है स्पेस डैम्पर। स्पेस डैम्पर क्या होता है, ये कहाँ पे कैसे इसका यूज होता है। मान लीजिए कि ये हमारे 3 फेस हैं, RYB। तो ये तीन, आपने डोमेस्टिक के जो खंभे होते हैं उसमें भी आपने देखा, उसमें इन तीनों तारों को इसमें लगा होता है, जो कि ये आपस में टच ना हो पाए, ठीक है, इनको टच होने से बचाने के लिए ये स्पेस डैम्पर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों तार आपस में टच हो जाएंगे तो 100 वोल्ट हो जाएगा, जिससे पावर चली जाएगी और काफ़ी बड़ा नुकसान भी होने का खतरा रहता है। दोस्तों स्पेस डैम्पर जो होता है वो इसीलिए इसका उपयोग ऐसे होता है, ये कोई 3 फेस जा रहे हैं और तीनों फेसों के ये इसमें लगा देते हैं। ये इंसुलेटेड होता है, ये इसमें सप्लाई नहीं आती है, ठीक है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये हमारे ये तीनों फेस जा रहे हैं, उनके बीच, उनके नीचे से ये ऐसे इसमें, ये भी दोस्तों जो है
स्पेस डैम्पर होते हैं ये, ताकि अगर बाय चांस कुछ हवा चल जाए तेज या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो ये वायर जो है इसी इस पे गिर जाए और लाइन तुरंत ब्रेक हो जाएगी, और उसके नीचे जो कोई भी आदमी होगा अगर वो किसी शहर में है, शहर के अंदर है, तो वो वायर जो है सीधे नीचे नहीं गिरेगा, और उसमें जो है ये तार, ये जो तीनों फेस आ रहे हैं ये इसके ऊपर गिर जाएंगे, जिससे आदमी की मृत्यु नहीं होगी। ये तार तीनों इस पर गिर जाएंगे, ये तार नीचे नहीं गिरेंगे जमीन पे। तो दोस्तों डैम्पर का दोस्तों यही काम है। डैम्पर तीन प्रकार के, जैसे जैसे मैंने पहले बताया, डैम्पर तीन प्रकार के होते हैं, स्टॉक डैम्पर, स्पायरल डैम्पर, स्पेस डैम्पर। ठीक है दोस्तों, तो इनका उपयोग आपने बहुत जगह देखा भी होगा, वहाँ पे आपने ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी, वहाँ पे भी ये इंसुलेटर के बगल में ही ठीक लगे होते हैं, ये वाइब्रेशन रोकने के लिए काम में आते हैं। दोस्तों आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और दोस्तों आपके मन में कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका इसके बारे में एक अच्छी सी वीडियो बना के लेके आऊँगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।